नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। देश में कोरोना का कहर जितना बढ़ता जा रहा है, उतनी ही अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। कोरोना वायरस से इस कदर कहर मचाया हुआ है कि गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन तक नहीं मिल पा रही है। दिल्ली सहित कई राज्य ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। इसी कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने अब बड़ा फैसला लिया है। देश में कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए अब ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने बड़ा प्लान तैयार किया है। 22 अप्रैल से 9 सेक्टरों को छोड़कर अन्य उद्योगों को ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। देश में कोरोना की मार, ऑक्सीजन की भारी किल्लत, ऑक्सीजन नहीं मिलने से जा रही लोगों की जान। कई राज्यों में है ऑक्सीजन की भारी कमी। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बढ़ते कहर से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। देश भर में अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर, कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की भारी किल्लत चल रही है, जिसके चलते मरने वालों की संख्या में लगातार बढ़ती ही जा रही है। मध्य प्रदेश के शहडोल मेडिकल कॉलेज में शनिवार देर रात ऑक्सीजन की सप्लाई का प्रेशर कम होने की वजह से 12 कोविड मरीजों की जान चली गई। इसके बाद से मध्य प्रदेश में सियासी पारा भी चढ़ गया। ऐसा ही हाल कुछ दिल्ली और महाराष्ट्र में भी है, जहां ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। महाराष्ट्र में हर रोज 1250 टन ऑक्सीजन का उत्पादन होता है और अभी राज्य में रोजाना लगभग इतनी ही ऑक्सीजन की खपत हो रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात से भी 50-50 टन ऑक्सीजन मांग रहा है। आने वाले समय में यहां मांग और बढ़ने की संभावना है और इससे राज्य में मांग उत्पादन से ज्यादा हो सकती है। इसी तरह महाराष्ट्र को रोजाना 250 टन ऑक्सीजन की आवश्यकता है, लेकिन उसका कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है। वो गुजरात, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश पर ही पूरी तरह निर्भर है। इन राज्यों में मामले बढ़ने की वजह से मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन की कितनी मांग और आपूर्ति? पूरे देश की बात करें तो ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाली करीब 500 फैक्ट्रियां हैं, जो प्रतिदिन 7127 मेट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन बना सकती हैं। अभी देश में रोजाना 3843 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत है, जो कुल उत्पादन की 54% है। इसका मतलब कोरोना वायरस के मरीजों के लिए जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, देश में उससे ज्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। अधिक उत्पादन के बावजूद भी ऑक्सीजन की कमी क्यों? दरअसल देश के मौजूदा ऑक्सीजन संकट की मुख्य वजह इसके ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होने वाले टैंक और सिलेंडर की कमी है। ऑक्सीजन काफी ज्वलनशील होती है और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कई दुर्घटना ना हो जाए, इसके लिए इन्हें क्रायोजेनिक टैंकों में ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। देश में ऐसे टैंकरों की संख्या मात्र 1500 है और इन्हें 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड और रात 10 बजे के बाद नहीं चलाया जा सकता। इन्हीं सीमाओं और मांग में वृद्धि होने की वजह से एक राज्य से दूसरे राज्य तक ऑक्सीजन पहुंचने का समय 3-5 दिन से बढ़कर 6 और 8 दिन हो गया है। इसी वजह से मरीजों तक समय पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है। सिलेंडरों की भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। सप्लायर्स का कहना है कि वो मांग के हिसाब से सिलेंडरों को फ्लो बनाए रखने में नाकाम है, क्योंकि सिलेंडर काफी कम है। कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी और ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत को देखते हुए केंद्र सरकार ने देहरादून के 100 अस्पतालों में ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले प्रेशर स्विंग ऑब्जर्वेशन प्लांट लगाने का फैसला किया है। इसके अलावा 162 अन्य PSA प्लांट लगभग शुरू होने को है। इन प्लांट्स की मदद से दूर के इलाकों तक ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में लगने वाले समय और कीमत को कम किया जा सकेगा और मरीजों तक समय पर ऑक्सीजन पहुंच सकेगी। इसके अलावा सरकार ने आपातकालीन स्थिति के लिए 50,000 मेट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन निर्यात करने का फैसला भी लिया है और जल्द ही इसका टेंडर जारी किया जाएगा। सरकार ने ऐसे 12 राज्यों की पहचान भी की है जहां ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा मांग है और सरप्लस ऑक्सीजन वाले राज्यों में यहां 3 खेपों में 17,000 टन ऑक्सीजन भेजी जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि इन कदमों की मदद से वो सभी राज्यों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बरकरार रख पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया, लेकिन न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम आपसे यही अपील करती है, मास्क जरूर लगाए रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रखिए और बार बार अपने हाथ धोते रहिएगा।